नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में। इनके पीएमटी कब से स्टार्ट होने वाले हैं और कब क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और आप लोगों को क्या इसमें लेकर जाना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने रिटन टेस्ट क्लियर किया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उनके फिजिकल चल रहे हैं जो कि 17 दिसंबर को स्टार्ट हुए थे और 28 दिसंबर तक चलेंगे। तो दोस्तों, इस पीएसटी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 30 दिसंबर को। जो भी लोग इसमें क्लियर कर जाते हैं फिर उनका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी, जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट होगा और 20 जनवरी तक चलेंगे। तो दोस्तों, जब आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा पीएसटी का 30 दिसंबर को, उसके बाद जो लोग इसमें क्लियर कर जाएंगे, जिनका रिजल्ट में नाम आ जाएगा उसमें लिस्ट में, उन लोगों को 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो आप लोगों को HSC की साइट पर अपलोड करने हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे के सारे। और जो भी लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा स्टेट के हैं, और जो जिन लोगों की फैमिली में कोई भी मेंबर जॉब से लगा हुआ नहीं है, मीन्स सारे मेंबर्स उसकी फैमिली में जॉबलेस हैं, उनको STM एफिडेविट बनवाना है। ठीक है दोस्तों, इस एफिडेविट को आप ज़रूर बनवाएं। इस एफिडेविट से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उसमें, कौन से फाइनल कट ऑफ में, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर जॉब से लगा हुआ नहीं है, मतलब किसी की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप ये वाला एफिडेविट ज़रूर बनवाएं STM, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे फाइनल लिस्ट में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो ये आपके 3 जनवरी को स्टार्ट होंगे और 20 तक चलेंगे। इसमें आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे साइट पर, उनकी आपको प्रिंटेड कॉपी निकालनी है और वो आपको अपने साथ लेकर जानी है पीएमटी टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि वहाँ पर आपका पूरा क्राइटेरिया प्रोसेस होगा क्या, पीएमटी में क्या क्या वो लोग चेक करेंगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस होगा, प्रोसीजर ऑफ पीएमटी। तो इधर हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। तो फर्स्टली हम मेल की बात करते हैं, मेल एंड हियर फीमेल। तो दोस्तों, जो मेल हैं वो जनरल कैटेगरी वाले, हाइट और चेस्ट, दो चीज़ें आपकी चेक होती हैं, एक हाइट और एक चेस्ट। तो हाइट जो मेल की है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं मेल, जनरल कैटेगरीज में जो मेल आते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और उनकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर, और वो भी बिना विदाउट एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंडिंग के बाद उनकी चेस्ट होनी चाहिए 87 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, और जो अदर जो लोग हैं जो आते हैं रिजर्व कैटेगरीज में, जैसे कि SC ST OBC, तो उन लोगों की बात है जो रिजर्वेशन में आते हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और उनकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंडिंग के बाद होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स की दोस्तों हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए फीमेल की हाइट होनी चाहिए 156 सेंटीमीटर, जो कि रिजर्व कैटेगरीज है सारी। और दोस्तों, फिर उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ निकल आएगी, जो कि आपका जो PMT है उसका रिजल्ट आपको PMT रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 22 से 23 जनवरी के बीच में, अप्रॉक्सली इस टाइम पे आपका PMT का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल रिजल्ट लिस्ट निकलेगी, जिससे जो जिन लोगों का उसमें नाम आएगा उनका उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, और उस मेडिकल टेस्ट में आप लोगों की विज़न चेक किया जाएगा। उसके लिए आपका विज़न 6x6 होना चाहिए और नियर विज़न 0x5 होना चाहिए, और देन जो भी उस मेडिकल में फिर क्लियर करने के बाद आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों 2 फरवरी से। यही था हमारा इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।